उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में प्रशासनिक अधिकारी की दबंगई देखने को मिली। एआरटीओ साहब द्वारा ऑटो रिक्शा चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष ने थाना कोतवाली पहुंचकर आरटीओ प्रवर्तन अजय यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जनपद महोबा के कोतवाली थाना क्षेत्र से मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष ने शहर कोतवाली पहुंचकर एआरटीओ के खिलाफ लिखित तहरीर दी। मारपीट में घायल 50 वर्षीय राकेश यादव ने एआरटीओ प्रवर्तन अजय यादव पर पैसे मांगने के आरोप भी लगाए। पीड़ित का आरोप है कि पैसे की जबरन उगाही करने का विरोध करने पर प्रवर्तन अधिकारी अजय यादव ने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर उसके साथ सरेराम मारपीट की घटना को अंजाम दिया। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। बजरिया चौकी में मेरी गाड़ी आरटीओ ने सीज कर दी थी परसों, तो मैं आज छुड़वा के री ऑर्डर बनवा के वहाँ पहुँचा। सामने से मतलब आरटीओ साहब ने दूसरी गाड़ी मेरी स्टेशन से खड़ी गाड़ी उठवा के वो जबरदस्ती बंद कर दी। तो मैंने साहब से पूछा कि साहब मैं एक गाड़ी छुड़वा के आया हूँ, आपने दूसरी गाड़ी का है बंद कर दी। तो बोले मैं तो ऐसे ही घर से भी उठा के बंद कर दूंगा, तो नेता बहुत बनता है ना। तो मारने पीटने क्या, जैसे ही मैंने साहब से कहा कि साहब गाड़ी क्यों लाए, तो साहब दोबारा में नाराज हो गए। जैसे पूछा है साहब नाराज हो गए तो बस गेट खोल के आए तो मुझे मारना शुरू कर दिया। उनके पीछे सिपाही आ गए, दोनों ने मारा, उनके पीछे ड्राइवर आ गया, चारों लोगों ने मुझे गिरा गिरा के लाठी डंडों से मारा। ये आरटीओ अजय यादव, उनके दोनों सिपाही और उनका ड्राइवर पैसे की मांग करते हैं 1500 रुपये महीने। हाँ, हमसे चारों गाड़ी के 1500 रुपये दो। क्या मामला मैडम? कल एक गाड़ी पकड़ी थी हमारी राकेश यादव की, तो आज उनने छुड़ाने गए। दूसरी गाड़ी हमारी स्टेशन पे खड़ी थी है, जहाँ से वो गाड़ी करने दिया वहाँ से बना के कि छुड़ा लो जाके पुलिस चौकी से, तो पूरी फोर्स लेके पहुँचा ये आरटीओ अजय यादव। वहाँ जाके उसकी खड़ी गाड़ी स्टेशन से दूसरी उठा के चलान कर दी। उसने रिक्वेस्ट किया तो जाके उसकी मारपीट की पूरे फोन के साथ। जो कौन है? आरटीओ है अजय यादव, राकेश यादव की मारपीट की है उसने, उसके सिपाहियों ने। और ऑटो, हर ऑटो वाले से 1000 रुपये महीना मांग रहा है। ये गुंडा ही नहीं, ये गरीब लोग क्या करेंगे बताइए? 4000 रुपये ये गरीब आदमी क्या खिलाएंगे? ये ठंड पड़ी है, अपने बच्चों को क्या करेंगे? जहर थोड़ी ना खिलाएंगे।